हेलो एवरीवन, टेक जेटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज BEGLA 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2022 में एग्जाम देने चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाएंगे तो उनको आसानी होगी अटैम्प्ट करने में। पैटर्न का आपको पता लग जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और ये इसमें इंग्लिश एट द वर्क प्लेस है तो इसमें ये लगभग कॉमन ही रहते हैं, ग्रामर वगैरह सब। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये BEGLA 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं, सभी कंपल्सरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ये 10 नंबर का है, इसमें ये 10 दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो इनका जो जो मीनिंग है उस हिसाब से आपको इनको मैच करना है। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ये भी 10 नंबर का है, 2 नंबर का 1 है। इनसे सेंटेंस बनाना है, जैसे इम्प्लीमेंट, अपग्रेड, एप्टीट्यूड, असर्टिव फीडबैक। अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अगर हिंदी मीनिंग ढंग से पता होगा तो आप अच्छे से इंग्लिश इनकी बना पाएंगे, और ग्रामर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इसमें ए है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में है, ये 5 हैं, 5 नंबर का है, 1 नंबर का 1 है। इसमें इसी में है बी है, फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड, 10 नंबर के हैं ये, तो 10 × 1। इसमें पहला है प्लीज़ मेक द नेसेसरी करेक्शंस एंड हैव द लेटर। इसमें डिस्पैच की एग्जैक्ट में फॉर्म भरनी है, हैव द लेटर डिस्पैच्ड आएगा। इसमें 2 में रिमूव द ब्रोकन चेयर्स फ्रॉम द हॉल, वी शैल हैव आवर मीटिंग हेयर। 3 द लिटिल बॉय इज अफ्रेड, प्रीपोजिशन भरनी है द डॉग, यूज सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें आएगा ऑफ। द लिटिल बॉय इज अफ्रेड ऑफ डॉग, द डॉग। दिस लेटर वॉज रिटन बाय द टीचर, बाय द टीचर आएगा इसमें। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6, ही वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र। इन 7 द श्रीलंका इज द आइलैंड, इसमें आर्टिकल भरना है तो द आएगा इसमें। ब्रह्मपुत्र इज ए माइटी रिवर, तो इसमें भी दी आएगा, द ब्रह्मपुत्र इज ए माइटी रिवर। 9 द अमेरिकन टूरिस्ट हैड नेवर सीन, करेक्ट आर्टिकल एन एलिफेंट। वाराणसी इज द होली सिटी, अभी इसमें हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, वर्क प्लेस एट इक्विटी, और सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ए पोर्टफोलियो एंड ए रिज्यूम, ये दोनों 10-10 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रिपेयर ए ब्रीफ CV क्लियरली मैंशनिंग योर स्किल्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट, ये CV बनाना है कैरिकुलम विटे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एन एनालिस्ट इन ए फर्म, योर लेटर शुड शो हाउ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। ये भी जॉब के लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन लेटर है, ये भी 10 नंबर का है। 7 नंबर, यू आर द हेड ऑफ द लोकल ब्रांच ऑफ योर फॉर्म, ये न्यू रिक्रूट है ज्वाइंड इन द फॉर्म, राइट स्पीच इन विच यू वेलकम द न्यू रिक्रूट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द अदर एम्प्लॉयज, ये आपको स्पीच लिखनी है, ये भी 10 नंबर की है। टोटल क्वेश्चन 8 हैं, तो ये 8th क्वेश्चन है। प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्टिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स टू अवर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स में जो एम्प्लॉयबल स्किल्स है उनका क्या महत्व है, ये आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स इसमें टोटल क्वेश्चन 8 हैं,
और आप इनको देख सकते हैं, इसी टाइप के आपका पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है रिपीट हो भी जाए ना भी हो, लेकिन आप इसको पढ़ने से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम मिलेगा, कैसे आपको अटेंड करना है। तो आपको ग्रामेटिकल थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उससे आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अगर इग्नू स्टूडेंट्स हैं तो इग्नू के सभी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, और कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।